नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम शॉर्ट कुर्ते की कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है। कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे हम। हमारे सीना जो है 38 इंच है। 38 का चौथा भाग करेंगे 9.5 इंच, उसमें 2.5 इंच प्लस करके 12 इंच आ जाएगा। टोटल 12 इंच को हम फोल्ड करेंगे किनार सहित। इस तरह से 12 इंच फोल्ड करेंगे कपड़े को। ये देखिए 38 के भागे 4 = 9.5 प्लस 2.5 इंच 12 इंच आ जाएगा हमारा। टोटल 12 इंच किनार सहित ऊपर से नीचे तक 12 इंच फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। नीचे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बिल्कुल 1/2 इंच दूरी से। लंबाई 28 इंच है। 1/2 इंच प्लस करके 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे हम। आर्म होल 9 इंच रखेंगे 38 सीने में। पेट का निशान 16.5 इंच पर। ऊपर का निशान सबसे पहले सीधा कर लेंगे। दो इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये स्केल 2 इंच का ही है मेरा, तो इस तरह से पंद्रह इंच की कॉलर है तो कुर्ता है, इसलिए 2.5 इंच। शर्ट होते तो 2.75 इंच का निशान लगता गले का। शोल्डर 18, 2 सूज ज़्यादा 1/2। फ्रंट का शोल्डर है इसलिए 2 सूत ही बनाएंगे हम। देखिए सीना 38 है, 4 / 4 9.5 प्लस 2 इंच 11.5 पर टोटल ये निशान लग जाएगा हमारा। पेट हमारा 36 है, 9 × 36 1/2 इंच मार्जिन देंगे हम। जो चेस्ट का निशान है वही नीचे लगा लेंगे टोटल। इस तरह राउंड देंगे। ये सीना का निशान लगाया था उससे 1/2 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे। उसको इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ राउंड देंगे हम आर्म होल का। ये आप हाथों से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये इसके लिए हो आपके पास। ये राउंड देने में यहाँ 1/2 से 1.5 इंच का 1/2 इंच आना चाहिए। बहुत बढ़िया गड्ढा आएगा। गला कल लगा लेंगे हम 2 सूत ऊपर से 1/2 इंच पर। पॉकेट इस निशान से 1 इंच ऊपर 1/2 पर। पंद्रह गला है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे हम। ये हम इसमें मार्जिन छोड़ेंगे। पौने 2 इंच ओपन करेंगे।
फैशन पट्टी चौक सामने की फैशन कैसी बनेगी। ये देखिए फुल कुर्ता रहता है जहाँ आधे पर आता है, ये शॉर्ट है इसलिए थोड़ा ऊपर रहेगा। जो हमारा आर्म होल और पेट का जो निशान रहता है उसके सेंटर में आता है लंबाई। अगर लंबा कुर्ता रहता है तो इसको थोड़ा ऊपर लगाएंगे हम, छोटी फैशन बनेगी सामने। इस निशान को हम उठाएंगे। अब देखिए हम जो सिलाई लगाएंगे, जो हमने जो राउंड वाली सिलाई है, चौक है का निशान है, उससे एक आधा इंच अंदर एक निशान और लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारी फाइनल सिलाई इस निशान पर से लगेगी। अब दोनों तरफ एक जैसे सिलाई लगना चाहिए, इसलिए हम ये निशान इस तरफ उठा लेंगे एक, और इस तरफ भी गुलाई दे देंगे जिस तरह हमने उस तरफ दी है। इससे क्या सिलाई दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी बराबर लगेगी। मार्जिन छोड़ेंगे हम, ग्राहक ने बोला है कि बाद में टाइट हुआ लूजिंग के लिए मार्जिन रखना। अब इस दूसरे सिरे से हम आस्तीन काटेंगे, इस तरह डबल कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा मिस्टेक है, इसको काट देते हैं। इस तरह फोल्ड करेंगे। स्लीव में एक चीज ध्यान रखना, ऊपर से बराबर रखना चाहिए, फिर ये सीधा निशान लगता है। 4.5 इंच यहाँ भी ऊपर से सीधा रख के, यहाँ सीधा रहना चाहिए। दस इंच रखेंगे, आस्तीन बिल्कुल बराबर आएगी। अब यहाँ 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पर, अब देखिए गुलाई कैसे देते हैं। इस शेप पट्टी को इस तरह रखें, 3.5 के निशान पर मिलाई थी हमने रखकर। ये देखिए अब ये दो निशान है, इसके बीच में एक निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को इस पर लाएंगे, बहुत प्यारी आस्तीन बैठती है। यहाँ थोड़ा उठा देंगे ऊपर आखिरी कोना, दो सूत। ये देखिए एक इंच माइनस करेंगे, 23 इंच पर लगाएंगे निशान। इसको थोड़ा तिरछा लगाएंगे, इस निशान को हम सीधा नहीं लगाते। कफ है 9.5 इंच, तो यहाँ हम 6 इंच रखेंगे इसको। यहाँ हमको आस्तीन का सेंटर रखना है 1.25। बाहर के निशान से पहले कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह पलटाएंगे, फिर इसको एक बार और पलटाएंगे इस तरह। यहाँ 1/2 इंच, 1/2 इंच दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। चाक पट्टी की लंबाई 4.25 इंच रखेंगे। अब इसको खोल लेंगे हम।
पहले ये फ्रंट का गड्ढा दे देंगे जो हमने निशान लगाया था अंदर वाला। चौक पट्टी काट लेंगे, अब हम बैक काटेंगे। इसको 12 इंच के करीब मोड़ लेंगे जितना हमारा फ्रंट मोड़ा था। दोनों कपड़े बराबर रखाएंगे, शर्ट जैसी नहीं 2 इंच कम रखाएगा, इधर से बराबर रहेंगे दोनों। जिस निशान पर एक निशान उठा लेंगे, यहाँ से 5.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, इस निशान से यहाँ 5.25 इंच इसको सीधा कर लेंगे। शोल्डर डाउन 2 इंच करेंगे, देखिए यहीं की यहीं गला डाउन 1.25 इंच करेंगे। 18 शोल्डर है, 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो कंधी हमारी फ्रंट की है वो निशान यहाँ लगा लेंगे बैक में। ये इस निशान से लगभग 1.25 इंच बाहर सीने का जो फ्रंट में लगाया था। चलिए कटिंग कर लेते हैं। वीडियो जहाँ तक देखा था एक लाइक मार दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगले वीडियो में इसकी पेस्टिंग और स्टिचिंग बताएंगे। धन्यवाद।